हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के साथ लगी सीमा पर चीन अपनी एरियल वॉरफेयर की लिमिटेशंस को कर रहा है दूर। फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान नहीं है भरोसे के लायक। डीआरडीओ चीफ ने दी भारत के 5.5 जनरेशन AMCA फाइटर प्रोग्राम पर नई जानकारी। जल्द ही स्वदेशी इंजन के साथ टेस्ट की जाएगी निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल। और भारत के साथ कैमो हेलीकॉप्टर्स की डील के लिए जॉइंट वेंचर शेयर होल्डर्स की तरफ से अपडेट किया गया है प्रपोजल को। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह की तरफ से एक बयान देखने को मिला है, जिसमें उनका ये कहना था कि जो अभी 23 जुलाई को भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक ड्रोन को शॉट किया गया था, जो कि अपने साथ करीब 5 किलोग्राम तक के IED को कैरी कर रहा था, तो वो जो IED बरामद हुआ है वो जम्मू रीजन के क्राउडेड मार्केट को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। और जो इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान फरवरी में सीज फायर एग्रीमेंट होने के बावजूद भी कई सारे आतंकी संगठनों के सप्लाई लाइन्स को मेंटेन कर रहा है। और उनका ये भी कहना था कि पिछले साल सितंबर के महीने से ही पाकिस्तान में कुछ ऐसे स्टेट एक्टर्स हैं जो आतंकी संगठनों के डिमांड को पूरा करने के लिए आर्म्स, एम्युनिशन और यहाँ तक कि कैश भी ड्रोन्स की मदद से ड्रॉप करने का कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि लगभग एक साल पहले जो हेक्साकॉप्टर टाइप के ड्रोन को शॉट किया गया था और जो अभी 23 जुलाई को हेक्साकॉप्टर ड्रोन शॉट किया गया है, तो इन दोनों ड्रोन्स के फ्लाइट कंट्रोलर सीरियल नंबर्स में सिंगल डिजिट का डिफरेंस है। और इन ड्रोन्स में असेंबल किए गए कुछ पार्ट्स चीन और ताइवान से पिछले सप्ताह ही लाए गए हैं। और इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आज एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और जिसमें हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में अभी तक एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। और फिलहाल अभी भी ऑपरेशन जारी है और अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। इंडिया टुडे की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ लगे सीमा क्षेत्रों के पास चीन अपने मौजूदा एयरबेसिस को एक्सपेंड करने और नए एयरबेसिस का निर्माण करने के साथ चीन अपनी एयरफोर्स फैसिलिटीज को तेजी से बढ़ा रहा है। और कम से कम ऐसी 16 लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर चीन की ये एक्टिविटीज चल रही हैं। और ये लोकेशंस लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी बेहद करीब है। और जबकि उत्तराखंड के अपोजिट चीन की जो ये एयरबेसिस वाली एक्टिविटी चल रही है, ये इंडिया नेपाल तिब्बत ट्राइजंक्शन एरिया से भी ज्यादा दूर नहीं है। और इनमें से अधिकतर एयरबेसिस जो है वो सिंजियांग प्रांत में है, जो कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि रशिया के साथ भी बॉर्डर्स को शेयर करता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अपोजिट भी चीन ने दो नए एयरपोर्ट्स का निर्माण करने की योजना बनाई है। और जबकि 3 एयरपोर्ट जिन्हें फर्स्ट टायर कैटेगरी या फॉरवर्ड बेसिस में रखा गया है, जो कि इंडियन बॉर्डर्स के बेहद ही करीब हैं, वो है अलीगुंसा, बुरांग और तास्कोर एयरपोर्ट्स, जो कि ड्यूअल यूज के हिसाब से बनाए गए हैं। यानी कि इन एयरपोर्ट्स को सिविल और मिलिट्री दोनों ही पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट एयरपोर्ट जिसे फर्स्ट टायर कैटेगरी में रखा गया है, वो है तास्कोरगम पामीर, जो कि काराकोरम पास के बेहद ही करीब है। और चीन की इन सभी गतिविधियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो चीन की जो एरियल वॉरफेयर की लिमिटेशंस हैं, अब चीन उनको दूर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भी हाल ही में एक वेबिनार को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कहना था कि फरवरी में मिलिट्री कूप होने के बाद जो म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, तो उसके बाद से ही चीन म्यांमार में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। और इसलिए भारत को म्यांमार में उभरती हुई सिचुएशंस को करीब से मॉनिटर करने की जरूरत है। और उनका ये भी कहना था कि म्यांमार में रोड्स, रेल्स और एनर्जी कॉरिडोर के निर्माण के लिए चीन की BRI इनिशिएटिव को म्यांमार पर लगे प्रतिबंधों के साथ और भी गति मिलना तय है। स्टेट न्यूज ग्लोबल के साथ एक खास इंटरव्यू के दौरान DRDO चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का कहना था कि जो 5.5 जनरेशन AMCA फाइटर है, उस पर हमारे साइंटिस्ट काफी गंभीर रूप से बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। और अभी वर्तमान समय में इस फाइटर के लिए कई सारी कोर टेक्नोलॉजीज विकसित की जा रही हैं। और जहां तक बात है AMCA में इस्तेमाल होने वाले इंजन की, तो एक स्वदेशी जेट इंजन को विकसित करने के लिए भारत फॉरेन कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करने पर देख रहा है। और बाकी अगर आप उनमें से हैं जो भारत के इस 5th जनरेशन या यूं कहें 5.5 जनरेशन फाइटर AMCA प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमने इस पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो भी कुछ दिन पहले अपने डिफेंस ज्ञान सीरीज में अपलोड करी है। तो आप चाहें तो उस वीडियो के माध्यम से इस प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और जल्द ही उस वीडियो का सेकंड पार्ट भी रिलीज किया जाएगा। बाकी इसके अलावा DRDO चीफ का ये भी कहना था कि वर्तमान समय में हमने मिसाइल्स, सोनार्स, टॉर्पेडोज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अवॉक्स ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भरता को हासिल किया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि DRDO जल्द ही स्वदेशी इंजन के साथ निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट करेगी। और बाकी आप स्टेट न्यूज ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पर जाकर DRDO चीफ का ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से मल्टीपल कंपनीज के पार्टनरशिप के साथ इसरो के कस्टमाइज्ड स्पेस थीम्ड मर्चेंडाइज प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया है, और जिसके तहत आप इसरो मिशन से जुड़े हुए ऑथराइज प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं, जिनमें इसरो प्रोडक्ट के स्केल मॉडल्स, टी शर्ट्स, मग्स, स्पेस थीम एजुकेशनल गेम्स, साइंस टॉयज और ऐसी कई सारी चीजें शामिल हैं।
और इसरो का ये मानना है कि इस तरह का ब्रांड प्रमोशन एक्सरसाइज स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डोमेन में स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन और पब्लिक में एक जागरूकता पैदा करेगा। और इसरो के इस प्रोग्राम में अभी तक 8 कंपनीज ने रजिस्टर कर लिया है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसरो के जो मर्चेंडाइज प्रोग्राम के तहत प्रोडक्ट्स पूरी तरीके से मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे तो आप में से कौन कौन इनको खरीदने वाला है, क्योंकि हम तो इनमें से कुछ ना कुछ जरूर खरीदेंगे। और बाकी मर्चेंडाइज से याद आया, अगर आप डिफेंस स्क्वाड के ऑफिशियल मर्चेंडाइज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे सबसे पहले जो आपको ग्रे कलर का लाइक का बटन दिख रहा है उसे क्लिक करके ब्लू कर दीजिए। और अब आप उस लाइक बटन के थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको हमारी ऑफिशियल मर्चेंडाइज यहीं पर दिख रही होंगी और आप अपने पसंदीदा डिजाइन पर क्लिक करके उसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप हमारे मर्चेंडाइज बाय करते हैं तो उस मर्चेंडाइज को पहनकर आप अपनी पिक्चर हमें सेंड कर सकते हैं, जिसे हम अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल्स पर फीचर करेंगे। कल 26 जुलाई को कारगिल युद्ध को हुए 22 साल पूरे हो जाएंगे और कल पूरा देश कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारे केवल निकम में पड़ोसी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को भारत ने ये बात फिर से याद दिला दी थी कि हमारे शांति प्रिय स्वभाव को हमारी कमजोरी समझने की गलती ना करें। खैर, कारगिल विजय दिवस की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। और बाकी, कारगिल विजय दिवस से पहले शनिवार को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ एक खास बातचीत के दौरान फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक रिटायर्ड का कहना था कि जब भी वे कारगिल युद्ध वाले पुराने दिनों को याद करते हैं और फिर जब वे आज की सिचुएशन पर विचार करते हैं तो उनका ये कहना था कि भारत पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकता है और भारत को ना तो अतीत में पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए था और भविष्य में भी नहीं करना चाहिए। जिन्हें नहीं बताया उन्हें बता दें कि जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था तब इंडियन आर्मी के प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ही थे और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय सेना ने यह पूरा युद्ध लड़ा था। और ये कारगिल युद्ध निश्चित रूप से एक बेहतरीन रणनीति, साहस, शौर्य और पराक्रम के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। और जनरल मलिक ने इसी इंटरेक्शन के दौरान ये भी बताया कि इस युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान के हाथ से स्थिति निकल गई तो फिर उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने मदद के लिए पहले चीन को विजिट किया, फिर वे अमेरिका गए और कहीं से भी मदद ना मिल पाने के कारण आखिर में उन्हें भारत को ही अप्रोच करना पड़ा और फिर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी। और इस पर आगे बात करते हुए जनरल मलिक का ये भी कहना था कि अगर मैं पुराने दिनों को देखता हूँ तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करना चाहिए था और जहां तक पाकिस्तान की रणनीति का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि वे कभी भी बदलने वाले हैं और हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश का हमारे साथ विश्वासघात करने का इतिहास रहा है और इसलिए हम पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं और हमें हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हमारे लिए समस्याएं खड़ी करना जारी रखेगा। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आज रविवार को एक बयान देखने को मिला है जिसमें उनका कहना था कि रशियन नेवी किसी भी दुश्मन को डिटेक्ट कर सकती है और जरूरत पड़ने पर एक अनप्रिवेंटेबल स्ट्राइक भी कर सकती है। और रशियन राष्ट्रपति का कहना था कि हम किसी भी तरह के अंडर वाटर, एवर वाटर और एयरबॉर्न एनिमी को डिटेक्ट करने में सक्षम है। और जहां तक है रशियन राष्ट्रपति का ये बयान खास करके उस घटना के बाद आया है जो कि पिछले महीने जून में हुई थी जब एक यूके वॉरशिप ने क्रीमिया पेनिनसुला को पास किया था और जबकि क्रीमिया वाटर्स से ब्रिटिश वॉरशिप को बाहर निकालने के लिए रशिया की तरफ से कुछ वार्निंग शॉट्स और बॉम्ब्स भी ड्रॉप किए गए थे। बाकी इसके अलावा भी हाल ही में मार्क्स 2021 एयर शो के दौरान रशियन ऑफिशियल्स ने मीडिया के साथ बात करते हुए भारत और रशिया की कैमोव K-226 हेलीकॉप्टर्स वाले डील पर यह कहा कि फिलहाल इस प्रोग्राम को लेकर ज्वाइंट वेंचर और भारतीय रक्षा मंत्रालय के बीच नेगोशिएशन चल रहा है और जो नेगोशिएशन है यह प्रपोजल के कुछ टेक्निकल पार्ट पर हो रहा है। उनका कहना था कि हमें होल्डिंग कमर्शियल नेगोशिएशंस पर फैसले का इंतजार है और इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने में जो देरी हो रही है वो इस प्रोग्राम में डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लेवल से जुड़े हुए इश्यूज से है। बाकी रशियन ऑफिशियल्स का यह भी कहना था कि हमें उम्मीद है कि अब जॉइंट वेंचर के शेयर होल्डर्स द्वारा जो प्रपोजल को अपडेट किया गया है उस अपडेटेड प्रपोजल के साथ भारतीय रक्षा मंत्रालय सेटिस्फाई हो जाएगी जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के आगे के रास्ते को खोलेगी। और अभी भी दोनों पक्षों द्वारा इन हेलीकॉप्टर्स की कॉस्ट और इनकी डिलीवरी शेड्यूल पर निगोशिएट होना बाकी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो में जो लाइक का ग्रे कलर का बटन है उसे क्लिक करके ब्लू कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें टैग करना ना भूलें। बाकी आपका कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह आप सभी के लिए ओपन है। और बाकी इस वीडियो में आपको प्यारा सा एक लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइब बटन। तो अगर कोई ऐसा है जिन्होंने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो वे इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें।